Everyone, today we are going to start chapter number 14, ecosystem. Now in this chapter, an ecosystem can be visualized as a functional unit of nature where the living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. इसका मतलब हुआ कि जो आपका ecosystem है वो एक ऐसी unit है, ऐसी फंक्शन यूनिट है कि जहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन चलता है उनका, या फिर उनका जो इंटरेक्शन है वो सराउंडिंग से चलता है. तो इकोसिस्टम में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, पहला ऑर्गेनिज़म्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और या फिर वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से या फिर अपने इन्वायरमेंट से. अंडरस्टैंड, इकोसिस्टम वेरीज greatly in size from a small pond to a large forest or a sea. मतलब कि जो ecosystem है वो अलग अलग size का हो सकता है. For example, अगर आप एक छोटा सा pond लेकर चलो जो घर के बाहर या घर के अंदर ही है, कोई छोटा सा man-made pond, तो वो भी एक ecosystem होगा. और अगर आप एक large forest लोगे या large sea लोगे तो वो भी क्या होगा, एक ecosystem होगा. इसलिए बोला गया है कि अलग अलग साइज़ के इकोसिस्टम होते हैं. दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इकोसिस्टम फंक्शन करता है. मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ. अब उन्होंने क्या बोला, जो इकोलॉजिस्ट है, जो इकोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं या जो इन्वायरमेंट पे वर्क करते हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने माना है कि जो पूरा बायोस्फीयर है वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है. बायोस्फीयर का मतलब है कि उसमें सब कुछ आ जाता है, आपका एटमॉस्फेयर हो गया, आपका हाइड्रोस्फेयर हो गया, तो जितने भी स्फेयर्स हैं वो इस बायोस्फेयर्स के अंदर आ जाते हैं. तो आपके इकोलॉजिस्ट ने यही माना है कि जो बायोस्फीयर है वो एक प्रॉपर ग्लोबल इकोसिस्टम है, और उसमें क्या होता है कि कई सारे छोटे छोटे लोकल इकोसिस्टम हैं. सिंस दिस सिस्टम इज़ टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट वन टाइम, इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इनटू टू बेसिक कैटेगरीज. अब देखो, अब ये क्या है कि काफ़ी बड़े लेवल का है, तो आप उसको एक साथ स्टडी नहीं कर सकते. उसके लिए ज़रूरत है कि आप उसको डिवाइड करो थोड़े ईजियर पार्ट में, या इस तरीके से डिवाइड करो कि आप उनको इंडिविजुअली स्टडी कर पाओ. तो पहला तरीका हुआ टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में डिवाइड करना. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं और जो डेजर्ट होते हैं, ये सब किसका पार्ट है, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है. टेरेस्ट्रियल इज रिलेटेड टू लैंड एंड एक्वेटिक इज रिलेटेड टू वाटर. अब नेक्स्ट इसमें आ गया, पॉन्ड, लेक, वेटलैंड्स, रिवर एंड एस्टरी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम. ये जो भी है ना, आपके पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, वेटलैंड, रिवर, एस्टरी, ये सब एक्वेटिक का एग्जाम्पल है, ये जितने भी हैं. क्रॉप फील्ड एंड एन एक्वेरियम में ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज मेन मेड इकोसिस्टम. एक और चीज़ आ गई कि जब हम पढ़ ही रहे हैं इकोसिस्टम, तो हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं जो है क्रॉप फील्ड्स, जहाँ पर ह्यूमंस ने खुद क्रॉप्स उगाई हैं, या हम एग्जांपल लें एक्वेरियम जो भी ह्यूमन ने खुद बनाया है, तो वो भी एक एग्जांपल है किसका, मैनमेड इकोसिस्टम का. अंडरस्टैंड, वहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं. वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट प्रोडक्टिविटी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. तो अब हम इस ऑर्डर में देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोडक्टिविटी है, जो भी आउटपुट आ रहा है, जो भी आपके इन्वायरमेंट से या इकोसिस्टम से, इकोसिस्टम की साइड से जो भी चीज़ें निकल रही हैं प्रोडक्टिविटी के वे में, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इकोसिस्टम में या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल में, एंड जो आउटपुट होता है डिग्रेडेशन, या जो एनर्जी लॉस होती है कि एनर्जी कहाँ जा रही है या किस तरह से यूज़ हो रहा है, वो सब.
we will also look at the relationships, cycles, chains, webs that are created as a result of these energy flows within the system and their interrelationship. अब हम इन सब चीज़ों को भी देखेंगे कि किस तरीके से साइकिल्स और रिलेशनशिप्स वगैरह चल रहे हैं. अंडरस्टैंड? नाउ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. चैप्टर नंबर 13 में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन जो है इनमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक, जो हम इस चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे. हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स इंडिविजुअली अफेक्ट करते हैं सराउंडिंग्स को. चलिए लेट अस लुक एट दीज कंपोनेंट्स इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन दिस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. अब हम ये देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ इंटीग्रेट करके अगर हम कंसिडर करें तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं या किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है या इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट में कैसे एनर्जी फ्लो करती है. इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम. जब भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर इंटरेक्शन होगा या होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है या फिर इस तरीके के इंटरेक्शन से कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है हर टाइप के इकोसिस्टम का. ठीक है. एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीशीज कंपोजिशन. अगर हम आइडेंटिफाई करें कि कितने प्लांट्स हैं, उनको हम काउंट करके रखें तो हमें एक आइडिया लगेगा कि किस तरह की स्पीशीज है इकोसिस्टम में, और वो ये आइडिया देता है कि स्पीशीज कंपोनेंट क्या हैं. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. अभी स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, मतलब यहाँ पर वर्टिकल की बात इसलिए हो रही है कि डिफरेंट स्पीशीज है जो अलग अलग लेवल पर हैं, जिसको यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन बोला है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उनका एग्जाम्पल दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्राटा और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट. श्रब्स द सेकेंड एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर. अंडरस्टैंड? तो अगर मैं एक फॉरेस्ट को कंसिडर करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, वहाँ पर ट्रीज आएंगे. क्यों? क्योंकि सबसे बड़े या वहाँ पर डोमिनेंट वही हैं. उसके बाद आते हैं आपके श्रब्स वगैरह, छोटे छोटे जो होते हैं, जो थोड़े कम बड़े होते हैं, मतलब ट्री से छोटे होते हैं. और लास्ट में अगर मैं कंसिडर करूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो लीस्ट है. लास्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम उनको ऑर्डर में लगाएं तो तब आएंगे आपके हर्ब्स और ग्रासेस, जो किसको ऑक्यूपाई करेंगे, आपकी बॉटम लेयर को. कौन करेगा? हर्ब्स एंड ग्रासेस. द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. आप ये कंसिडर करो कि कब ये सारी चीज़ें एक साथ वर्क करेंगी. जो कंपोनेंट होते हैं वो तभी वर्क करते हैं एक यूनिट की तरह जब आप इन सब चीज़ों को देखो. किन चीज़ों को? सबसे फर्स्ट आता है आपका प्रोडक्टिविटी, फिर आता है आपका डिकम्पोजिशन, फिर आता है आपका एनर्जी फ्लो, एंड देन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग. अंडरस्टैंड? चलिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ये समझना है कि एक एक्वेटिक के अंदर, एक एक्वेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं या कैसे फंक्शन होता है. तो एक छोटे से पॉन्ड को यहाँ पर आप एक एग्जांपल लेकर चलो. दिस इज फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड रादर सिंपल एग्जांपल दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस दैट एग्जिट इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम. यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका पॉन्ड है वो एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, मतलब कि वो जो खुद से सस्टेन कर पाए. सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ को यूज़ करो तो वो आगे की जनरेशन को भी मिले, मतलब वो कैरी ऑन रहे. मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने उस चीज़ को आज यूज़ किया और देन आपने उसको ख़त्म कर दिया, तो आप उसको सस्टेन करके रखो. तो यहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब ये कि खुद से थोड़ा फंक्शन कर रहा है, चल रहा है. और ये भी है कि वहाँ पर कैसे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होते हैं पॉन्ड्स के अंदर, किस तरीके के कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होते हैं. अ पॉन्ड इज़ अ शैलो वाटर बॉडी. मतलब शैलो का मतलब बहुत डीप नहीं होता है, जैसे सी बहुत डीप होता है वैसे नहीं, ये थोड़ा कम डीप होता है. वो एक शैलो वाटर बॉडी जिसके अंदर क्या होता है, फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड. द
तो क्या होगा कि ये जितनी भी ये आपको फोर चीज़ें दे रखी है ना, ये सब किसके अंदर होगी, पॉन्ड्स के अंदर प्रेजेंट होगी। द एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर विद ऑल द डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड द रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। सो अगर मैं आपसे बोलूँ कि पॉन्ड के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, तो आप बताओगे कि जो वाटर है वो, जो आपका रिच सॉइल है वो, है ना, मीन्स जो भी आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सब उसका पार्ट है। किसका पार्ट है? एबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। जो इसमें सोलर इनपुट है, ठीक है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर है, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द इंटायर पॉन्ड। देखो, जो सोलर इनपुट है आपका, सोलर इनपुट का मतलब है कि कितनी सनलाइट आ रही है। इसके बाद में दे रखा है साइकिल ऑफ टेम्परेचर, मीन्स ऊपर कितना टेम्परेचर है, पानी के डीप डाउन कितना टेम्परेचर है, और बाकी सब चीज़ें जैसे कितना फंक्शन करेगा, किस रेट में फंक्शन करेगा, कितना स्पीड में फंक्शन करेगा, ठीक है। अब हम पॉन्ड का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो जो उसका ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट होगा, ऑटोट्रॉफिक का मतलब तो आपको पता ही है, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा आपका, कुछ आपके फाइटोप्लैंकटन, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस। तो उसमें क्या आएगा आपके फाइटोप्लैंकटन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ एल्गी और कुछ फ्लोटिंग यानी कि जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, जो थोड़े से सबमर्ज हैं, या फिर मार्जिनल प्लांट्स जो जो साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ पर मिल रहे हैं, एजेस पर मिल रहे हैं। तो ये सब पार्ट है किसके? ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट का। अब इसमें कंज्यूमर्स क्या हो गए? कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जू प्लैंकटन, द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्विलिंग, मतलब वो जो फ्री लिविंग हैं, जू प्लैंकटन्स जो क्या हैं, फ्री स्विमिंग है, जो वहीं पर क्या करते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं या स्विम कर सकते हैं, बॉटम ड्विलिंग हो सकता है कि वो बॉटम में रह रहे हों। तो ये सब पार्ट है कंज्यूमर का, जो इन ऑटोट्रॉफ्स के प्रोड्यूस हुए हुए मोड को खाएंगे, या बोल सकते हो कि उन पर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पर डिकम्पोजर्स कौन है? यहाँ पर डिकम्पोजर्स हैं फंजाय, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स, स्पेशली अबेंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बॉटम ऑफ द पॉन्ड में मिलते हैं। देखो, कोई भी चीज़ जब ख़त्म हो जाती है या डेड हो जाती है, तो उसके बाद वो जाकर बॉटम में एक्यूमुलेट हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर डिकम्पोजर्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ताकि वो ईजिली उसको डिकम्पोज कर सकें। This system performs all the function of an ecosystem and of the biosphere as a whole, that is conversion of inorganic into organic matter with the help of the radiant energy of the sun by the autotrophs. इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। ये जो सिस्टम है ना, ये सारे वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो हमारे इकोसिस्टम में होते हैं, या बोल सकते हो कि हमारे बायोस्फेयर के अंदर होते हैं। कैसे? तो जो भी आपकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो वो क्या कर रहा है? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? ऑर्गेनिक मटेरियल में। किसकी हेल्प से? एनर्जी की हेल्प से, या फिर रेडिएंट एनर्जी सन बाय द ऑटोट्रॉफ। तो यहाँ पर आपके ऑटोट्रॉफ्स क्या कर रहे हैं कि जो भी सन की एनर्जी है या जो बाहर की एनर्जी है, उसको यूटिलाइज करके जितनी भी आपकी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उनको ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कंजप्शन हो रहा है ऑटोट्रॉफ का किसके थ्रू? हेटरोट्रॉफ के थ्रू। हेटरोट्रॉफ्स वो जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, और ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है और मिनरलाइजेशन हो रहा है किसका? डेड मैटर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो रही है, मीन्स डिकम्पोजिशन भी हो रहा है और मिनरलाइजेशन भी हो रहा है। डिकम्पोजिशन मेनली एक प्रोसेस होता है जिसमें डेड डिकेइंग होता है, या जो ख़त्म हो चुका होता है उसको फिनिश करना है ताकि वो अर्थ में वापस मिल जाए। फिर नेक्स्ट मिनरलाइजेशन हो रहा है किसका? डेड मैटर का, ताकि वो दोबारा से रिलीज़ हो जाए ऑटोट्रॉफ्स के लिए। ये जो इवेंट्स हैं ये बार बार होते हैं। द यूनिडायरेक्शन मूवमेंट ऑफ द एनर्जी टूवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरमेंट। देखो, जब भी कोई चीज़ किसी को खाएगी, तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है हायर से या हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ,
उससे क्या हो रहा है, आपका लॉस ऑफ हीट हो रहा है किसमें, इन्वायरमेंट में। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेस है वो किसके अंदर होते हैं, बायोस्फीयर के अंदर होते हैं, इन्वायरमेंट में होते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के बेस पर आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है।